एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ फ्रेंड्स। तो अभी हो रहा है मॉर्निंग का टाइम, तो अभी 9:30 हो चुके हैं। पीयू चली गई है स्कूल, पापा जी और हस्बैंड ऑफिस चले गए हैं। अब स्टार्ट हो गया है घर की सफाई का काम, तो आप देख सकते हो सभी अभी ऐसा ही फैला हुआ, क्योंकि अभी सब गए हैं, उसके बाद ही काम स्टार्ट होता है। तो आज कर रही हूँ फ्रेंड्स मैं अपनी वॉशिंग मशीन क्लीनिंग, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है क्लीन नहीं करी है। और आज वीरवार है, तो आज कपड़े भी नहीं धोने हैं, हम वीरवार को कपड़े नहीं धोते। तो बस अब मैं करती हूँ वॉशिंग मशीन क्लीन। तो मैं इसमें की तो इसमें मैं डालूँगी ये एप। तो फ्रेंड्स है ये मशीन का पाउडर है जो हम इसमें डालते हैं और इसी से साफ़ करते हैं। तो आप मेरी मशीन की हालत देख सकते हो, पूरा ना ऊपर से आप वो ऊपर ना बारिश का पानी आता है और सारा यहाँ से ना ख़राब हो चुकी है। ये सारी आप देख सकते हो जंग लग गया है। और देखती हूँ मैं अब इसको करती हूँ कुछ। मैंने उनसे बात करी थी कंपनी वालों से, बट वो कह रहे हैं कि ये चेंज नहीं हो सकती, ये चेंज नहीं हो सकता। अगर ड्रम चेंज करवाना है तो ड्रम चेंज हो सकता। ड्रम मैंने चेंज करवा लिया था, कुछ ख़राब हो चुका था पहले। तो अब मैं इसमें डाल देती हूँ ये सारा पाउडर, क्योंकि बहुत टाइम लेती है। तो अब मैं इसको कर दूंगी यहाँ टब क्लीन में। अब मैं इसको कर दूंगी स्टार्ट। तो इसने ले लिया 3 घंटे का टाइम, और 3 घंटे में बिल्कुल साफ हो गया, अपने आप बंद हो जाएगी। तो मशीन साफ हो रही है, तब तक मैं कुछ और काम कर लूंगी। इस मशीन का यही फायदा है कि हम अपना काम भी करते रह सकते हैं और कपड़े अपने आप धुल जाते हैं। और जब 3 घंटे बाद क्लीन हो जाएगा फ्रेंड, तो उसके बाद मैं इसको और भी साफ़ करूँगी बाहर से। और वो जो जंग लगा है उसका मैं कुछ करती हूँ, यूट्यूब में ही देख के मैं कुछ करूँगी। तो ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं 3 घंटे बाद मिलूँगी आपसे। तो फ्रेंड्स मेरा सारा काम फिनिश हो गया है, और नहा कर भी मैं अभी रेडी होने जा रही हूँ, क्योंकि 11 बज चुके हैं। मेरी बेटी की छुट्टी होगी 11:30 बजे, तो मुझे उसे लेने जाना है। और मशीन का देख लेते हैं कितना टाइम बचा है, 34 मिनट्स। तो अभी जब मैं अपनी बेटी को लेके आऊँगी ना स्कूल से, उसके बाद ही इसकी सफाई हो पाएगी। तो मैं हो जाती हूँ फटाफट रेडी और उसको लेके आती हूँ, और फिर हमने जाना है कहीं, मम्मी मैंने और मेरी बेटी ने कहीं जाना है उसके बाद। तो मैं अब हो जाती हूँ रेडी और अपनी बेटी को लेने जाती हूँ, वरना अगर जरा सा भी मैं लेट होगी ना तो वो रोना स्टार्ट कर देती है स्कूल में, क्योंकि उसके क्लासमेट सभी निकल जाते हैं और फिर वो रोना स्टार्ट कर देती है। तो अब मैं रेडी होकर उसको लेने जाऊंगी। तो ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं आके अब मशीन का हाल बताती हूँ क्या है। तो फ्रेंड्स शाम के बज गए हैं 6, और मैं अब जाके वॉशिंग मशीन क्लीन कर रही हूँ, क्योंकि बारिश हो रही थी और ऊपर गैलरी से आता है पानी, तो इसलिए इसी वजह से मशीन साफ़ नहीं हो पाई। अभी भी नीचे पानी पानी हुआ पड़ा है, तो मैं अभी कर लूँगी क्लीन। आज ही क्लीन हो सकती है, फिर कल कपड़े धोने हैं तो कल क्लीन नहीं हो पाएगी ये। और आज कपड़े नहीं धोने तो मैं आराम से क्लीन कर लूँगी। तो ठीक है फ्रेंड्स, कर लेती हूँ मैं अपनी वॉशिंग मशीन क्लीन। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो कितनी गंदी हो रखी है ये, इसको भी ब्रश से साफ़ करना पड़ेगा। तो मैंने ले लिया है एक कपड़ा और मैं इससे साफ़ कर लूँगी मशीन को अच्छे से। और ये जो टब है फ्रेंड्स अंदर, ये भी साफ़ करना पड़ता है यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे जो सर्फ़ वगैरह है वो उसकी गंदगी रह जाती है यहाँ पे। मुझे यहाँ ट्राईपॉड की बहुत ज़रूरत है, और मेरी बेटी मेरा ट्राईपॉड बिल्कुल भी नहीं दे रही है। देखो आप, इसके साथ खेलने में लगी हुई है ये और बिल्कुल नहीं दे रही है ट्राईपॉड। क्या कर रहे हो आप, क्या कर रहे हो?
आप देख सकते हो मेरी वीडियो भी अच्छे से नहीं बन पा रही है क्योंकि ये ट्राइपॉड ही नहीं दे रही है, बोल रही है कि मुझे इससे खेलना है। तो मैं ऐसे ही वीडियो बना रही थी। अब इससे खेलना है, ये क्या है? बोलो ट्राइपॉड, जोर से ट्राइपॉड। अभी बारिश हुई थी और आप देख सकते हो कि बूंदे कैसे मशीन में पड़ी है। बस इसी वजह से मशीन सारी खराब हो रही है क्योंकि ऊपर से बारिश के छींटे पड़ रहे हैं यहाँ इसमें ना। तो फ्रेंड्स मशीन हो गई है मेरी क्लीन, तो आप देख सकते हो अच्छे से क्लीन कर दिया है मैंने। और बस ये रह गया, तो इसमें मैं लगाऊंगी टेप। टेप मुझे अभी मिल नहीं रही है कहीं भी, तो उसमें टेप ही लगानी पड़ेगी और कुछ नहीं हो सकता क्योंकि जंग बहुत ज़्यादा लग चुका है इसमें। तो अगर आपके पास कोई एडवाइस होगी फ्रेंड तो मुझे पक्का बताना कि इस ये कैसे ठीक हो सकता है और मैं इसको क्या करूँ जिस वजह से ये ठीक हो जाए। तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना फ्रेंड्स कि इसका क्या उपाय हो सकता है। सारे देख रहे हैं आपको क्या कर रहे हो आप। तो फ्रेंड्स अब मैं आ गई हूँ रूम में और बेटी मेरी बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, मेरे पीछे पीछे ही घूम रही है। क्या चाहिए आपको, क्या करना है, ये क्या करूँ मैं इसका? तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलती हूँ अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जो मेरे नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो ठीक है बाय, मिलती हूँ फ्रेंड्स मैं अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।